इस एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं आपको, उस सीरीज को आपको चेक करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म एपी है। जो आपका सेकंड नंबर है और जो आपका उससे पहले वाला नंबर है उसके बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं। जैसे कि हम यहां पर चेक करते हैं 11-8, ये देखिए 3 होता है। उसके बाद हमारे को, हमने पहले ये दो नंबर लिए थे, अब उसके बाद में हम इन दो नंबरों को लेंगे। 14-11 भी 3 होता है। उसके बाद में ये नंबर और ये नंबर लेंगे, 17-14 = 3। तो देख रहे हैं यहाँ पे सबका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं डी से। 20-17 ये भी 3 है। तो यहां पर देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम है। अगर हमारा डिफरेंस सेम आता है तो हम उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एक एपी है। अब यहां पर ये पूछ रहा है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं और जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर इसने पूछा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 8। एक आंसर तो मेरा ये आ गया है। और दूसरा इसने पूछा कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस मेरा 3 है, मैं इसको लिख दूंगा 3। तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।